हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग योर होमवर्क वेरी वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट इज ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस at 20 degree celsius and 750 mm pressure। ek gas hai 120 ml jo hai capacity ka vessel jo hai wo 120 ml capacity ka hai, usme gas filled hai to volume of gas kya ho jayega 120 ml at 20 degree celsius temperature hai aur pressure uska kitna hai 750 mm। the gas was transferred to a vessel whose volume is 180 ml। तो उस गैस को जो 120 ml कैपेसिटी के कंटेनर में थी उसको फिर अनदर कंटेनर जिसकी कैपेसिटी 180 ml है उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। तो जो V2 वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नाउ चेंज टू 180 ml। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस का प्रेशर क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल फर्स्ट इज गिवन क्या है, V1 वॉल्यूम ऑफ गैस इन इनिशियल कंडीशन क्या है 120 ml और प्रेशर जो है P1 वो क्या आपका 750 mm ऑफ मर्करी। उसके बाद जो वॉल्यूम जो है गैस को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया गया, V2 वॉल्यूम क्या हो गया 180 ml। और देखो टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, पहले भी टेम्परेचर 20 डिग्री था, अब भी 20 डिग्री है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, P2 कैलकुलेट करना है। तो एज यू नो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ से हमें क्या पता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 की वैल्यू कितनी है 750 mm मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू कितनी है 120 ml और P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, V2 वैल्यू कितनी है 180 ml। तो P2 किसके बराबर हो जाएगा 750 mm मल्टीप्लाई 120 ml डिवाइड बाय 180 ml और ये किसके बराबर हो जाएगा P2। तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 से इसको डिवाइड या 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो उसे इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 250। तो सॉल्व करके P2 क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू 500 mm ऑफ Hg। क्या आ जाएगा 500 mm ऑफ Hg। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेट अस सी सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या दिया है, इन सेकंड न्यूमेरिकल ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर डिक्रीजेस टू 0.2 बार। उसके बाद इफ एट 1 बार प्रेशर गैस ऑक्यूपाइज 2.7 लीटर वॉल्यूम अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड। आंसर है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल 2। ध्यान से देखना इसमें क्या गिवन है, बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो है उसके ऊपर बैलून हाइड्रोजन गैस से फिल्ड है। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर डिक्रीज, आपको पता है प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रेशर वॉल्यूम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर प्रेशर जो है इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो पहले जो इनिशियल कंडीशन पर गैस जो 1 बार प्रेशर पर गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था वो था 2.27 वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 2.27 लीटर और इनिशियल प्रेशर जिसको हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 1 बार। व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस टू, तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर इज P2 इट इज इक्वल टू 0.2 बार। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम V2 ये कैलकुलेट करना है, V2
वो कैलकुलेट करना है। तो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, तो पी वन की वैल्यू क्या है 1 bar, वी वन की वैल्यू 2.27 liter और पी टू की वैल्यू क्या 0.2 bar। वी टू कैलकुलेट करना है तो 0.2 bar इधर आएगा 1 bar मल्टीप्लाई 2.27 liter डिवाइड बाय 0.2 bar और इट इज इक्वल टू वी टू। तो बार से बार कैंसिल हो गया और 0.2 है और ये 2.27 है, तो इसको हम क्या करेंगे 22.7 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि इसका पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट एक आगे सरका दिया, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया। तो ये क्या गया लीटर इज इक्वल टू वी टू। सॉल्व करेंगे 2 2 1 2 2 1 2 2 3 6 बच गया 1 और कैरी लेंगे 0 फिर 2 5 10 11.35 liter इज इक्वल टू वी टू। इट मीन्स बैलून कैन बी एक्सपेंडेड मैक्सिमम अप टू 11.35 liter वॉल्यूम। तो जब प्रेशर को डिक्रीज किया 0.2 bar से तो मैक्सिमम 11.35 liter वॉल्यूम तक वो एक्सपेंड कर सकता है, और उससे ज्यादा अगर हम उससे कम अगर हम और डिक्रीज कर देंगे प्रेशर में तो फिर ना 11.35 liter वॉल्यूम से आगे जाते ही वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए। लेट अस सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड, 20 ml ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड एट 15 degrees Celsius आर हीटेड टू 35 degrees Celsius, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम एट सेम प्रेशर। तो यहाँ पर आप देखें कि 20 ml स्टार्टिंग में वॉल्यूम ये हाइड्रोजन का और वो 15 degrees Celsius टेम्परेचर पर है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 20 ml और इनिशियल टेम्परेचर T1 इट इज इक्वल टू 15 degrees Celsius। तो 15 degrees Celsius को कैलविन में बदलेंगे, 15 + 273 kelvin, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 3 8 7 और 1 8 उसके बाद 2 288 kelvin। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर T2 इट इज इक्वल टू 35 degrees Celsius और ये कितना हो जाएगा 35 + 273 kelvin इट इज इक्वल टू 538 और 7 और 3 टन 1 कैरी 1 2 और 1 3 2 308 kelvin। हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम V2 कैलकुलेट करना है। क्या करना है V2 कैलकुलेट करना है। देखो एट सेम प्रेशर, जब प्रेशर सेम रहता है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट तो अप्लाई चार्लेस ला करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है V1 by T1 is equal to V2 by T2। तो फ्रॉम चार्लेस ला क्या होता है V1 by T1 is equal to V2 by T2। तो वैल्यूज को रखेंगे V1 की वैल्यू कितनी है 20 ml डिवाइड बाय T1 की वैल्यू कितनी है 288 kelvin इट इज इक्वल टू V2 कैलकुलेट करना है और T2 वैल्यू क्या 308 kelvin। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ml मल्टीप्लाई 308 kelvin डिवाइड बाय 288 kelvin इट इज इक्वल टू V2। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टू, इसको पहले 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 144, फिर आप इसको 2 से करेंगे 72 और इसको करेंगे आप यहां से 2 5 10 और फिर आप करेंगे दोबारा से 2 से, यहां पे आएगा 36, यहां पे आएगा 2 1 2 0 और 2 1 2 रिमेनिंग 1, तो 2 5 10 और 2 144 आएगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर आएगा आपका 18 और यहाँ पे क्या आएगा 2 7 14
उसके बाद 2 7 14 77, तो हमारे पास वी टू जो आया 77 डिवाइड बाय 18 और साथ में रहेगा एम एल, सोल्व करेंगे 21 वो मल्टीप्लाई के 5 के साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई में सोल्व करेंगे 21.38 एम एल, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में भी है 77 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 18 21.38 एम एल आ जाता है। ठीक है, तो लेट अस सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4। तो नेक्स्ट देखेंगे न्यूमेरिकल 4 में क्या बोला है, सिमिलर टाइप का है बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में अलग है। तो क्या है, ऑन ए शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन, एक शिप है समुद्री जहाज है जो प्रशांत महासागर से सेलिंग स्टार्ट करते हैं, चलना शुरू करता है, जहां पर टेम्परेचर जो है 23.4 डिग्री सेल्सियस है, ए बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, तो वहां से पैसिफिक ओशियन से एक बैलून को फिल किया गया एयर के साथ, 2 लीटर एयर उसके अंदर फिल की गई, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून व्हेन द शिप रीचेज टू इंडियन ओशियन, जब शिप जो है इंडियन ओशियन पर हिंद महासागर पहुंच जाएगा तो वहां पर जहां पर टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस है तब उस बैलून का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहां पर देखें जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम जो है इट इज इक्वल टू, सो इनिशियल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम इट इज वी वन इज इक्वल टू 2 लीटर, स्टार्टिंग में 2 लीटर फिल किया गया, और इनिशियल टेम्परेचर शॉर्ट में लिखा टीएमपी डॉट, यहाँ पे क्या 23.4 डिग्री सेल्सियस केल्विन बदलेंगे, 23.4 प्लस 273 केल्विन इट इज इक्वल टू कितना आएगा ये 0.4336 और 7292964 केल्विन आ गया। हमें क्या करना है, वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, फाइनल वॉल्यूम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी टू से जो कैलकुलेट करना है, और फाइनल टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर है टी टू और इसकी वैल्यू कितनी है 26.1 डिग्री सेल्सियस, और इसको कन्वर्ट करेंगे 26.1 प्लस 273 केल्विन, ये क्या आएगा आपको 0.13697829299.1 केल्विन, तो क्या आपका 299.1 केल्विन। तो फिर वैल्यूज को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V1 by T1 is equal to V2 by T2, वैल्यूज रखेंगे V1 की वैल्यू क्या है 2 लीटर डिवाइड बाय T1 की वैल्यू का 296.4 केल्विन, और V2 कैलकुलेट करना है और T2 क्या है 299.1 केल्विन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V2 is equal to 2 लीटर मल्टीप्लाई 299.1 केल्विन डिवाइड बाय 296.4 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा और इसको सारे को सॉल्व करेंगे 2.018 लीटर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4। लेट अस टेक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंबाइंड गैस लॉ। एक बार ध्यान से सुने, बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द वॉल्यूम। फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर। बट इस इक्वेशन इट इज पॉसिबल दैट प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो तीनों है, इन तीनों में प्रेशर और टेम्परेचर का साइमल्टेनियस साथ साथ वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसको भी स्टडी किया जा सकता है, और दैट इज डन बाय आइडियल गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस देखो क्या होता है, द इक्वेशन विच गिव्स द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। अब की बार वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का साथ साथ जो है क्या इफेक्ट है, तो उसको जो इक्वेशन जो डिराइव करती है, इक्वेशन जो देती है, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस।
अब इसके लिए डेरिवेशन करेंगे तो लेट अस सी द डायग्राम। इसमें देखो क्या है, P1 V1 T1 इनिशियल कंडीशन पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है एंड इट इज चेंज टू फाइनल कंडीशन प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2। तो ये डायरेक्ट वे में इस तरीके से हो सकता है और इनडायरेक्ट वे में इट कैन टेक प्लेस इन टू स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप में P1 इज चेंज टू P2, V1 इज चेंज टू V एंड टेम्परेचर T1 रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो आपने देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो यहाँ से यहाँ तक स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट यहाँ पर हमारा बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ से जो सेकंड स्टेप होगा इसमें देखो P2 रिमेन्स कॉन्स्टेंट, P2 दोनों में कॉन्स्टेंट है यानी कि प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम क्या है V से V2 में चेंज होगा जब टेम्परेचर T1 से T2 में चेंज होता है। तो ये हमारा क्या होता है, सेकेंड स्टेप फॉलो चार्लेस लॉ फॉलो करता है। तो इन दोनों को यूज करके कैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, लेट अस सी डेरिवेशन। द इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्लेस लॉ एज फॉलोज। कैसे, हमने कंसीडर कर लिया कि सर्टेन मास है किसी गैस का, उसका जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 चेंज होता है, कब, जब प्रेशर P1 से P2 चेंज होता है और टेम्परेचर T1 से T2 चेंज होता है। इन टू स्टेप्स, ये दो स्टेप में होता है एज शोन इन फिगर, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो सी स्टेप वन में क्या है, सपोज वॉल्यूम V1 चेंज टू V, V1 वॉल्यूम V में चेंज होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर P1 किस में चेंज हो रहा है, T2 में। तो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 यहाँ पर P1 है, V1 V1 ही है, T2 प्रेशर है, V2 की जगह पर वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर V है तो हमने V लिखा, यहाँ से V की वैल्यू क्या आएगी, P1 V1 / P2। उसके बाद फिर हम सेकेंड स्टेप में जाते हैं, सेकेंड स्टेप में प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम V जो है इट चेंजेस टू V2 व्हेन टेम्परेचर T1 चेंजेस टू T2। तो यहाँ से फिर चार्लेस लॉ अप्लाई करेंगे, उसमें क्या होता है V1 / T1 इज इक्वल टू V2 / T2। यहाँ पर V1 क्या इनिशियल कंडीशन का, सेकंड स्टेप में इनिशियल कंडीशन में V1 की जगह V है तो V / T1 इज इक्वल टू V2 / T2। तो यहाँ पर आप देखेंगे V जो है V2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V2 किसके बराबर आ गया, V × T2 / T1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा, तो यहां देखो V2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन से V की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे, वी गेट V2 इज इक्वल टू, V की जगह क्या रखेंगे, P1 V1 / P2 × T2 / T1 हमारे पास ये आ जाता है। और लेट अस सेपरेट द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, देखो P1 P2 अलग अलग करेंगे तो फाइनल कंडीशन के जो भी वेरिएबल्स है उनको एक साइड करेंगे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा P2 × V2 और यहाँ से P2 नीचे आ जाएगा T2, ये किसके बराबर हो जाएगा P1 V1 / T1। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्या लिख सकते हैं, P1 V1 / T1 इज इक्वल टू P2 V2 / T2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारी जो है थर्ड हो जाती है, वैसे इसको हम इट कैन बी रिटन एज, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन आता है जो कंबाइंड गैस लॉ है, ये क्या है, दिस इज कंबाइंड गैस लॉ, ये क्या आपका कंबाइंड गैस लॉ है। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन का मीनिंग क्या है, P1 V1 / T1 इज इक्वल टू P2 V2 / T2। अगर आपको याद हो हमने बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ा था, फिर हमने क्या लिखा था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ऐसे ही इक्वेशन थर्ड इंप्लाइज दैट, इसका क्या मीनिंग है, इंप्लाइज दैट इसका मीनिंग है PV / T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV / T क्या है, कॉन्स्टेंट है, और इस कॉन्स्टेंट को क्या मान लेंगे, हम K मान लेंगे।
तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पीवी बाई टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फिर ये जो पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट है ये कैसा आता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ऐसे पीवी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। और इसको हमने के कॉन्स्टेंट माना है, द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के, द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ गैस एंड अमाउंट ऑफ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। इसको हमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन बताएंगे, के इज इक्वल टू एन आर, अनदर कॉन्स्टेंट आर आ जाता है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ के इन दिस इक्वेशन, व्हाट वी विल गेट, पी वी बाय टी इज इक्वल टू एन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये जो डेरिवेशन किया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर, हमने टू स्टेप में इस चेन को कंसीडर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डेरिवेशन को डिराइव किया है। इट कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड बाय अनदर वे, लेट अस सी दैट। सो अल्टरनेट डेरिवेटिव जो है इसका देखें, हमने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है, वॉल्यूम इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और चार्लेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वट वी विल गेट, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी टी और एन, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाएंगे, अनदर कॉन्स्टेंट आर, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन क्या एन एन मोल्स ऑफ गैस है, और अगर वन मोल ऑफ गैस एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो पी वी क्या हो जाएगा, आर टी हो जाता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस। बहुत सिंपल है ये भी, अगर हम किसी गैस के मास को एम मान लें और उसका मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम हो, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो इस वैल्यू को एन को हम आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन की वैल्यू क्या रखेंगे, एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। तो वी को नीचे लेके आएंगे, एम को पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पी एम इज इक्वल टू एम बाई डी आर टी, तो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, और यहाँ से डी किसके बराबर आ जाएगा, पी एम बाई आर टी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। और यहाँ से एम लिखना हो तो एम इज इक्वल टू डी आर टी बाई पी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आर जो होता है ये गैस कॉन्स्टेंट होता है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। सो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस किए हैं, आई होप सब कुछ आपको क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि विदाउट स्टडी जो है आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे अच्छा अपनी लाइफ में। तो जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट न करें, क्योंकि टाइम एक बार जब चला जाता है दोबारा वापिस नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने अपनी फीस जो है जमा नहीं कराई है, तो आप जो है 31 अगस्त से पहले पहले अपनी फीस को क्लियर कर दें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और आप जो अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।